दोस्तों वर्तमान में कलर्स का पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू दर्शकों का फेवरेट शो बना हुआ है। शो में लीड रोल में नजर आने वाली अनिरुद्ध और बोधिता की केमिस्ट्री को दर्शक बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इन दोनों के अलावा शो में अनिरुद्ध के चाचा त्रिलोचन के किरदार को भी दर्शकों द्वारा बहुत खासा पसंद किया जा रहा है, जो कि एक खड़ूस किस्म का किरदार है जो हमेशा ही बोंदिता को एक कुशल गृहिणी बनाने के बारे में सोचते हैं, जिनकी वजह से इनका बोंदिता के प्रति स्वभाव काफी नकारात्मक है और इसी जबरदस्त किरदार को दर्शक बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, शो में त्रिलोचन का खड़ूस किरदार निभाने वाले अभिनेता ऋषि खुराना शो के प्रोड्यूसर की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि इससे पहले ये रोल कई और अभिनेताओं को ऑफर किया गया था, लेकिन उन सभी अभिनेताओं ने किसी न किसी कारण से इस शो को करने से इनकार कर दिया था। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से अभिनेता हैं जो त्रिलोचन के रोल को रिजेक्ट कर चुके हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 4, रोनित रॉय। बॉलीवुड इंडस्ट्री से टीवी जगत में एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता रोनित रॉय का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले शुमार है, जिन्होंने पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक सभी किरदार निभाए हैं। इनकी इसी ब्रिलियंट एक्टिंग को देखते हुए शो के प्रोड्यूसर शशि सुमित ने इन्हें त्रिलोचन का खड़ूस किरदार ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। दरअसल जब प्रोड्यूसर शशि इनके पास रोल लेकर पहुंचे थे तो उन्होंने इससे पहले ही अपनी वेब सीरीज कहने को हम सफर है के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, जिसकी वजह से इनके पास एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था और टाइम इश्यूज के चलते इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। नंबर 3, आशीष चौधरी। कई फिल्मों और सीरियल्स में अपनी दमदार अदाकारी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले अभिनेता आशीष चौधरी भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक हैं जिन्हें त्रिलोचन का खड़ूस किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय आशीष चौधरी ऑलरेडी बेहद 2 सीरियल में अभिनय कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने भी टाइम इश्यूज के चलते इस रोल को करने से इनकार कर दिया। नंबर 2, राम कपूर। छोटे पर्दे के शो बड़े अच्छे लगते हैं में राम कपूर अमरनाथ का किरदार निभाकर हर घर में फेमस होने वाले अभिनेता राम कपूर को भी त्रिलोचन का रोल ऑफर हुआ था। हालांकि उस समय राम कपूर अपनी वेब सीरीज कर ले तू भी मोहब्बत में अभिनय कर रहे थे, इसके बावजूद इन्होंने इस रोल को करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन जब ये सीरियल की शूटिंग के लिए गए तो उस रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ पाए, जिसकी वजह से ये रोल ऋषि खुराना को मिला। नंबर 1, हितेन तेजवानी। कसौटी जिंदगी की, बिग बॉस और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे तमाम सीरियल्स में अपनी दमदार अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता हितेन तेजवानी का नाम भी इस आखिरी कड़ी में शुमार है, जिन्हें त्रिलोचन का रोल इन सब अभिनेताओं से पहले ऑफर हुआ था, लेकिन ये एक नेगेटिव किरदार था जिसकी वजह से हितेन को लगा कि अगर वो नेगेटिव किरदार निभाते हैं तो उनके फैन इससे काफी नाराज होंगे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी इमेज को देखते हुए इस रोल को करने से इनकार करना पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन अभिनेताओं में से त्रिलोचन का रोल सबसे अच्छे से कौन निभा पाता, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।